क्या आप आइसलैंड की नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में जानते हैं जो आकाश में नृत्य करते दिखाई देते हैं? और क्या आप दुनिया की सबसे रोमांटिक पैलेस के बारे में जानते हैं? और क्या आप केरल की मुनार हिल के बारे में जानते हैं जो समुद्र तल से 7000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? और डेथ वैली के बारे में आप कितना जानते हैं? और डेथ वैली में खिसकते हुए पत्थर के बारे में आप कितना जानते हैं? पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। आइसलैंड अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की रंगीन पर्वत और खूबसूरत नदियाँ लोगों को दीवाना बना देती है। लेकिन आइसलैंड की सबसे खास है नॉर्दर्न लाइट। बता दें कि इसी खूबसूरती को कैद करने के लिए दुनिया भर से फोटोग्राफर्स यहाँ आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये लाइट्स कैसे उत्पन्न होते हैं? बता दें कि पृथ्वी के ऊपरी एटमॉस्फेयर में आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गैसों से टकराते हैं तो ये टकराव छोटे छोटे चमक पैदा करते हैं जो आकाश को रंगीन रोशनी से भर देते हैं। ये लाइट्स आकाश में हिलते या नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे रोमांटिक डेस्टिनेशन कौन सा है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि पॉलिनेशिया में स्थित बोरा बोरा आइलैंड अपनी खूबसूरती के कारण सबसे रोमांटिक जगह माना जाता है। बोरा बोरा आइलैंड लैंगून और बैरियर रीफ से घिरा हुआ है। यहाँ का व्हाइट बीच, इक्वा लैगून और लग्जरी होटल की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। ये है माउंट रोइरामा जो पृथ्वी पर सबसे पुराने जियोलॉजिकल संरचनाओं में से एक है। बता दूं कि इसकी खोज 1838 में रॉबर्ट हरमन ने किया था। इस पहाड़ का अपना एक अलग ही इकोसिस्टम है जहां दुनिया के बाकी हिस्सों में अलग अलग प्रजाति के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, वहीं इस पहाड़ का अपना ही एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। यहां का जलप्रपात दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। ये पर्वत करीब 2 अरब वर्ष पुराना बताया जाता है। ये खूबसूरत पहाड़ कई फिल्मों का हिस्सा भी बन चुका है। समुद्र तट से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मुनार का टी गार्डन हिल, जहां सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। केरल को तो वैसे ही खूबसूरत राज्य कहा जाता है और यहां का मुनार हिल इस खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। मुनार की हरियाली, चाय के बगान और खूबसूरत साइट की वजह से यह भारत के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक मानी जाती है। यहां की खूबसूरती ही ऐसी है कि फिल्मों की शूटिंग के लिए यह बॉलीवुड डायरेक्टर्स की भी फेवरेट जगह बन गई है। यकीनन यहां के प्राकृतिक नजारे आपका मन मोह लेंगे। डेथ वैली आपको देखने में एक बेहद ही खूबसूरत रेगिस्तान लगेगा, जो कि है भी। लेकिन यहाँ का मौसम जब खराब होता है तब यहाँ की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है। इस जगह को सबसे अधिक तापमान वाली जगहों में गिना जाता है। 1913 में यहाँ का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस प्रसिद्ध जगह में पड़ती सूरज की किरणें आपको बहुत जल्दी थका सकते हैं। यहाँ आप बिना पानी के 14 घंटे ही जिंदा रह सकते हैं। यहाँ आने वाले कई पर्यटक या तो गायब हो गए हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। डेथ वैली के नाम से कुख्यात इस जगह पर सैकड़ों पत्थर मौजूद हैं। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के ये पत्थर बड़े रहस्यमय ढंग से मौजूद हैं। कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे वे खिसकते हुए आगे बढ़ रहे हों, उनके पीछे लंबी लकीर भी मौजूद है। यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने का कोई सबूत नजर नहीं आता, क्योंकि वहां मौजूद मिट्टी बिना किसी छेड़छाड़ की दिखाई देती है।